गाइस तो आप सभी को रितेश ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस वो जगन्नाथ टेंपल रांची का, और आपको गाइस वहां का वीडियो दिखाने वाले हैं। और गाइस झारखंड का सबसे बड़ा जगन्नाथ टेंपल दिखाने वाले हैं गाइस, और सबसे खूबसूरत भी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें गाइस, और वीडियो को जरूर देखें गाइस और वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्ण। रितेश ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आया हुआ हूँ जगन्नाथ टेंपल रांची, जो कि धुरवा में है। और आपको गाइस अभी दर्शन कराएंगे जगन्नाथ टेंपल का। और वहाँ पर गाइस जगन्नाथ भगवान का फोटो वीडियो करना अलाउ नहीं है, तो आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। गाइस देखिए अभी मैं सामने आया हुआ हूँ, और ये देखिए मेरा जो पीछे है जगन्नाथ टेंपल यहीं पर है, तो ये झाड़ियों में दिख नहीं रहा है। और गाइस ये काफ़ी अच्छा जगह है, देखिए इधर बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी है, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। और यहाँ पर गाइस शादी विवाह का भी काम होता है, तो आपको वो सब भी थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे और आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। हरे कृष्णा। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना। गाइस तो हम लोग इस मंदिर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो गाइस तो ये मंदिर 1691 ईस्वी में बनाया गया है गाइस, और ये मंदिर जगन्नाथपुरी के प्रतिकृत बनाया गया है। और ये मंदिर गाइस एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है, और ये मंदिर रांची के सबसे लोकप्रिय मंदिर है। और गाइस यहाँ पर रथ यात्रा के दिन रथ भी निकाली जाती है, और उसमें लगभग बहुत हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हैं और जगन्नाथ मंदिर का, और काफ़ी सारा एंजॉय करते हैं। वो मेला ही लगता है गाइस। तो देखिए ये रहा जगन्नाथ टेंपल, तो मेरा पीछे रहा और आपको गाइस दिखा रहे हैं, तो आपको बैक कैमरा से आपको दिखाएंगे और पूरा अच्छा से, क्योंकि सेल्फी से थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है और मेरा सेल्फी कैमरा का थोड़ा क्वालिटी ख़राब है, आपको गाइस दिखाएंगे बैक कैमरा से। और सो गाइस तो देखिए ये रहा जगन्नाथ टेंपल, और गाइस काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाइस ये मंदिर। देखिए नीला कलर का बादल और उसी में वाइट कलर का मंदिर, ये जो गजब का लुक है गाइस, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत ही सुकून मिला गाइस ये मंदिर दर्शन करके, और जगन्नाथ भगवान का गाइस कृपा पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जगन्नाथ भगवान को मतलब क्या बोलते हैं, ये दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, ये हमारे हमें खेद है गाइस। लेकिन ये जो मंदिर भी है ना गाइस बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है, तो आप एक बार आ सकते हैं। ये बहुत ही पुराने मंदिर है, और गाइस यहाँ पर रथ यात्रा के दिन रथ भी निकाला जाता है, और गाइस उसमें जगन्नाथ भगवान, बलदेव, माता सुभद्रा तीनों रहते हैं, और मौसीबाड़ी तक रथ चलाया जाता है। गाइस तो देखिए ये सामने ही है मौसीबाड़ी इसका, तो वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। और गाइस देखिए यहाँ पर बहुत सारा शादी विवाह का कार्य भी होता है, गाइस देखिए यहाँ पर अभी भी शादी हो रहा है आज भी, तो आपको गाइस दिखा रहे हैं। और यहाँ पर गाइस कोई भी मतलब फी लगता है शादी कर सकता है, और यहाँ पर यहाँ का जो पंडित लोग हैं वही लोग करते हैं। और गाइस यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है, तो आपको के लिए पहले बोलना पड़ता है, और गाइस एक दो आदमी के लिए तुरंत टिकट मिलता है 50 रुपये का, और आपको गाइस 50 रुपये में खीर पूरी और सब्जी दाल चावल ये सब मिलता है गाइस, काफ़ी अच्छा प्रसाद रहता है, और कोई भी आकर ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही मन भर जाएगा गाइस। काफ़ी ऊँचा जगह पर ये मंदिर है, पहाड़ों पर मंदिर बनाया गया है, काफ़ी पुरानी मंदिर है, तो आप लोग भी गाइस आ सकते हैं और देखिए गाइस मंदिर का जो नज़ारा है वो तो कुछ कहना ही है। हरे कृष्णा। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं गाइस, और आ सकते हैं आप लोग भी कभी रांची धुरवा जगन्नाथ टेम्पल।
गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर मतलब तीनों कीजिए गाइस। और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, तो आपको और क्या बोलें, प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।